हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीना। वेलकम टू यमी ट्रीट्स विद मीना। आज हम बनाने जा रहे हैं मोदक की रेसिपी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो मुझे गणेश जी के साथ एक बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है, तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ मेरी ये फेवरेट रेसिपी जरूर शेयर करूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे बनाने वाले हैं। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स हमें इसके लिए चाहिए मेन, बाकी वेरिएशंस आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक, लव और शेयर भी जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, तो प्लीज आप ये वीडियो स्किप करके नहीं देखें, इसे पूरा देखें, नहीं तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो उसे मिस कर देंगे। तो आइए आप इसे बनाने की विधि जो है हम देख लेते हैं। आप इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं, उसमें मैंने एकदम एक्यूरेट इंग्रेडिएंट्स जो है वो बताए हुए हैं, आप वहां से जो है आसानी से देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम लगभग 2 टेबलस्पून जो है वो देसी घी डालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो भरकर देसी घी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर हमारी सूजी जो है, जिसको हम रवा भी बोलते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 कप जो है सूजी ली है, जिसको हम सेमोलिना भी बोलते हैं, हम उसको इसके अंदर भूनेंगे। पहले हम थोड़ा सा घी को पिघलने देंगे। जैसे ही हमारा घी पिघल जाएगा, हम इसके अंदर हमारी सूजी डालकर उसे अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमें इसका कच्चापन निकालना है, तो इसीलिए हम इसको भून लेंगे। ये देखिए हमारी सूजी जो है वो काफी अच्छे से हो गई है, हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, इसे हमें एकदम मीडियम फ्लेम पे जो है इसको भूनना है। जैसे ये थोड़ी सी भुन जाएगी और इसमें से एक महक आनी शुरू हो जाएगी, तो हम इसको गैस को हम बंद कर देंगे और अब हम इसको हमारी एक प्लेट के अंदर जो है निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से आप इसको प्लेट के अंदर निकाल लीजिए। अब देखिए उसी कढ़ाई के अंदर हम जो है लगभग 2.5 कप यानी कि 2.5 बाउल जो है वो हम दूध लेंगे। ये नॉर्मल दूध है जो मैंने पहले से उबाला हुआ था, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। इसको अब हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे और इसके साथ साथ हम इसके अंदर लगभग 1 चम्मच जो है इलायची पाउडर डाल देंगे, इससे काफी अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें। ये देखिए हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम हमारा जो आधा कटोरी जो हम चीनी ले रहे हैं वो भी हम इसके साथ डाल देंगे। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं या फिर आप साबुत चीनी भी। अब देखिए जब तक हमारा जो दूध है वो बॉईल हो रहा है, तब तक हम हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं उसको पीस लेते हैं। मैंने यहाँ पर 5-6 बादाम लिए हैं और अराउंड 10 जो है वो पिस्ता लिए, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा पिस्ता का फ्लेवर देना चाहती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ ये 2 ही ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इनको लिया है और ये नमक वाला पिस्ता नहीं है, नॉर्मल पिस्ता है। अब इसको हम चॉपर में पीस लेंगे। आप चाहें तो आप इसको एकदम बारीक बारीक सा काट भी सकते हैं। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो चॉपर में पीसने के बाद इस तरह से हमें इसको कोस ही पीसना है, हमें बहुत बारीक नहीं करना है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चों को अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं बीच में पसंद है तो आप एकदम बारीक भी पीस सकते हैं। ये देखिए इसको हम बाद में ऐड करेंगे, तो आइए अब हम हमारा दूध जो है उसको देख लेते हैं। अब देखिए हमारी जो चीनी है वो काफी अच्छे से घुल गई है। अब हम गैस को थोड़ा सा तेज करके हमारे दूध को एक उबाला दिला लेंगे। मैंने यहाँ पर 10-15 जो है केसर के स्ट्रिंग्स जो है वो दूध में भिगो के रखे थे, ताकि इसका अच्छा येलो कलर आ सके। ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अभी। आप चाहें तो इसके अंदर येलो फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। आप चाहें तो नॉर्मल भी रहने दे सकते हैं। ये देखिए अब जैसे ही ये थोड़ा सा बॉयल होना शुरू हो जाएगा,
तो हम इसके अंदर हमारी सूजी जो है वो थोड़ी थोड़ी सूजी करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हमें एक ही साथ में सारी सूजी नहीं डालनी है, नहीं तो जो इसके अंदर जो है वो लम्स आ जाएंगे। ये देखिए बॉयल आना शुरू हो रहा है। अब मैं गैस को धीमा कर दूंगी और अब मैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा करके जो है वो सूजी डालना शुरू करूंगी और हमें साथ साथ में ही चलाते रहना है, हमें इसको स्टर करते रहना है, रुकना नहीं है। और इसी तरह से हम बाकी की सूजी भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते रहेंगे। ये देखिए गैस को हमें मीडियम लो फ्लेम पे रखना है। ये देखिए इसी तरह से मैं और भी जो है इसके अंदर डाल दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता करके हमें सारी सूजी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है मोदक बनाने का, बिकॉज इसमें कोई भी स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं आपको चाहिए और ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं घर में। सूजी सभी के घर में हमेशा ही मिल जाती है, आपको किसी कंडेंस्ड मिल्क की जरूरत नहीं है, आपको मावा की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। तो इसी तरह से हम सारी सूजी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड कर देंगे। देखिए जैसे ही हम इसके अंदर सूजी डाल देंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हमें साथ साथ में इसको स्टर करते रहना है क्योंकि सूजी जो है वो काफी जल्दी फूल जाती है। ये देखिए इसी तरह से मैं इसको स्टर करती हूँ। और अब हम इसके अंदर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं थोड़े से हम गार्निश के लिए रख लेंगे और बाकी के ड्राई फ्रूट्स जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए पिस्ता से सब बहुत ही प्यारा कलर आएगा। देखिए इस तरह से इसको साथ साथ में चलाते रहना और इसको अब हम थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा केसर डालेंगे तो उससे काफी अच्छा येलो कलर आ जाएगा, अदरवाइज जो है आप थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा सा। देखिए जिस तरह से ये ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसके अंदर लगभग 1 टेबल स्पून जो है वो देसी घी ऐड करेंगे। ये सारा काम हम जो है वो एकदम लो फ्लेम पे हमें करना है, हमने गैस को जो है वो तेज नहीं रखना है। ये देखिए बीच बीच में कहीं कहीं पे मैं जो है थोड़ा सा इसको डाल दूंगी और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसने काफी अच्छे से जो है वो पैन को छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा तो हमें बस इतना ही इसको पकाना है। कितना प्यारा कितना ब्यूटीफुल कलर आया है इसका और अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको अब हम किसी प्लेट में निकालकर इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर हम इसके मोदक बनाते हैं। ये देखिए अब ये काफी ठंडा हो गया है, हमें इसको पूरा ठंडा नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा जितना हम इसको सहन कर सके। ये देखिए मेरे पास इस तरह का एक मोल्ड है, इस तरह का एक प्लास्टिक का भी आता है, आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप हाथ से भी बना सकते हैं। हाथ से बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मैं आपको दोनों तरीके से सिखा दूंगी। ये देखिए इस तरह का मोल्ड है ये, सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा घी लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से सारी जगह हम घी लगाएंगे और फिर हम इसको बंद कर देंगे। अब इसके अंदर मैं जो है हमारा जो हमने जो ये पेस्ट बनाया इसको हम डालेंगे। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर अच्छी तरह से दबा के आप डाल दीजिए, आप चाहें तो किसी चम्मच की मदद भी ले सकते हैं और आप चाहें तो ये देखिए इस तरह से मैं इसके अंदर एक ऐसा होल कर दूंगी। और मैंने जो ड्राई फ्रूट्स थोड़े से हमने जो पिसे हुए रख लिए थे वो वाले ड्राई फ्रूट्स जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो है वो ऐड कर दूंगी और फिर वापस से हम इसके ऊपर जो ये डो है वो हम दोबारा से इसके अंदर डाल देंगे।
देखिए इसको इस तरह से डाल के आप जो एक्स्ट्रा है वो ऐसे निकाल दीजिए और बाकी का जो है वो अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस कर दीजिए। ये देखिए अब हम इसको खोलेंगे, ये बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए इस तरह से हम इसको खोलेंगे, हमें बहुत ही आराम से खोलना है इसको। ये देखिए कितना सुंदर बना है ये। अब हम इसको ऊपर से नहीं, हम इसको नीचे से इस तरह से आहिस्ता से जो है वो निकालेंगे। ये देखिए कितना सुंदर मोदक हमारा बना है, बहुत ही सुंदर मोदक बना है। गणेश जी तो खुश हो जाएंगे इतना अच्छा मोदक देखकर, बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह से हम बाकी के मोदक भी बना सकते हैं अगर आपके पास ये मोल्ड है। अगर नहीं भी है तो भी जो मोदक बनाना इतना मुश्किल नहीं है। आप इस तरह से थोड़ा सा घी जो है वो अपने हाथ पे लें। ये देखिए इस तरह से अपने हाथ पे थोड़ा सा घी लगाएं और आप एक अच्छा सा अमाउंट जो है वो इसका ले लें। ये देखिए पहले मैं एक इसको राउंड शेप दूंगी, ये देखिए इस तरह से, और फिर बाद में हम ये देखिए थोड़ी सी हम हमारी हथेली की सहायता से इस तरह से ऊपर से इसको मोदक का शेप दे देंगे। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है ये भी। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा और फ्लैट कर दूंगी, और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी लाइंस भी आ जाएं, तो आप कोई भी सिलाई या टूथपिक ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मेरे पास एक ये सिलाई है, मैं उसकी मदद से इस तरह से इसके अंदर लाइंस बना दूंगी। ये देखिए कितनी सुंदर लाइंस बन जाती है। ये देखिए तो इसलिए कुछ मैटर नहीं करता है कि आपके पास मोल्ड है कि नहीं है, आप इजीली इस तरह से बिना मोल्ड के भी बना सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर बने हैं, ये बहुत ही अच्छा बना है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हम बाकी के भी जो है मोदक जो है वो बना लेंगे। ये देखिए हमारे मोदक जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने इसको थोड़े से पिस्ता जो हमारा बच गया था मैंने उसी के साथ इसको गार्निश किया है। आई होप कि आपको ये बनाने का तरीका बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये बहुत ही टेस्टी भी बनता है। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही यमी होता है और न्यूट्रिशियस भी बहुत ज्यादा है ये। इसमें कोई भी मावा नहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और उसको लाइक लव और शेयर भी जरूर करें, और इसको प्लीज जरूर रिकमेंड करें अपने फ्रेंड्स के साथ। हम बहुत ही हेल्दी रेसिपीज लेके आते हैं आपके लिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई मोदक की रेसिपी के साथ। जी हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ चॉकलेट फ्लेवर वाला मोदक जो है वो बहुत जल्द ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसकी रेसिपी। तो आप जरूर इन टच रहिए। तो अगली बार हम आपसे मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।